सुशांत की मौत के मामले में घिरी उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने अभिनेता के साथ हुई व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट कर शेयर किए। इसमें सुशांत अपनी बहन प्रियंका के व्यवहार के बारे में चिंता व्यक्त करते और रिया के परिवार की तारीफ करते दिख रहे हैं। कांग्रेस के लिए पूर्णकालीन अध्यक्ष को नियुक्त कर पाना पार्टी के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर कांग्रेस चुनाव आयोग को अध्यक्ष के चुनाव को लेकर संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में विफल रहती है तो पार्टी को निलंबन या अपात्रता का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा उपकरण निर्माण के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने 101 उपकरणों के आयात पर वर्ष 2024 तक रोक लगाने की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इससे पहले घरेलू रक्षा उद्योगों को अगले 5 से 7 वर्षों में करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिलेंगे। नंदनवन इलाके में शनिवार की सुबह 21 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक जूनागढ़गंज झोपड़पट्टी निवासी नयन प्रमोद रामटेके नयन शनिवार की सुबह 10:30 बजे अपने घर के बेडरूम में छत के हुक से संबंधित साड़ी से लटका। कोविड संक्रमण के बीच गणेश उत्सव के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किए लेकिन मूर्ति विक्रेताओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जानकारी लेने मनपा के जोन कार्यालय पर विक्रेता पहुंचे हैं, उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बिक्री की अनुमति मांगने आने वाले विक्रेताओं को जुर्माने की रसीद थमा दी जा रही है। नागपुर में रविवार की सुबह से काले में एक मेहरबान रहे, हल्की से मध्यम बारिश का दौर दिन भर जारी रहा। लगातार हो रही बारिश के कारण अधिकतम तापमान 4.2 डिग्री गिरकर 26.5 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जबकि न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा। आकाशवाणी चौक से जियो के मोबाइल टावर पर चढ़कर पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ाने वाले मोहन उर्फ मनोज यात्रा मानसिक तनाव में था। 5 साल तक परिजनों से दूर रहने वाला मोहन 2 दिन पहले ही घर लौटा था। कोविड प्रकोप के चलते परिजनों द्वारा होम क्वारंटाइन होने की सलाह देने पर घर से भी लौट गया था। मेडिकल परीक्षण कराने के बाद सीतामढ़ी पुलिस ने मोहन के खिलाफ मामला दर्ज किया। फर्जी दस्तावेज से जमीन की बिक्री करने वाले कुख्यात साहिल सैयद को उसके भाई ने भी मदद किए जाने का संदेह है। साहिल ने 10 लाख रुपए में खरीदी गई जमीन को महज 1 साल के भीतर अपने भाई को 20 लाख रुपए में बेच दी थी। उसके भाई ने साल भर में 87 लाख में यह जमीन एक व्यक्ति को बेची है। जिस तरह से पूरा लेन देन हुआ है उससे पुलिस को साहिल के भाई के भी लिप्त होने का पता चला। कोविड संक्रमण की चपेट में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल भी आया है। पूर्व में मोतीबाग वर्कशॉप में एक रेल कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय सहित कंट्रोल ऑफिस में अब तक 30 रेल कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। उपराजधानी में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रविवार को शहर में कोरोना के 374 नए संक्रमित सामने आए, साथ ही कोरोना से 23 लोगों की मौत हुई है। नागपुर में अब तक कुल 8,780 कोरोना संक्रमित मरीज है तो अब तक मरने वालों की संख्या 315 पर पहुंच चुकी है।